गोयल परिवार के गृह प्रवेश अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करने पधारे पूज्यवर श्रद्धे राजा राम जी महाराज जी साहब, आदरणीय सहजपुरी जी, जयराम जी, श्रद्धे आदरणीय बांके बिहारी जी, महेंद्र सिंह जी और उनके साथ आए हुए समस्त कलाकार बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम को सूत्रधार बनकर के मंच संचालन कर रहे शर्मा जी और मातृशक्ति भवरानी गांव के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे बीच में दो छोटे छोटे ब्रह्मचारियों के रूप में संत प्रवर आए और उन्होंने अपने मुखारविंद से जो बहुत गूढ़ और गहरे शब्द कहे वही आज के सत्संग का सार है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा बोलना, ये किसी एक की बच्चे को खड़ा करके ऐसे बुलवा सकते हो आप, कोई गांव में से नहीं हो सकता। सजनों, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के यहां अवतरित होता है और फिर कहते हैं कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, कुछ हो गुरु कृपा, कुछ हो स्व विवेक, तब ऐसे प्रतिभाएं तैयार होती है। पूर्व जन्म के कर्म हो, गुरु कृपा हो, प्रारब्ध हो, स्व विवेक हो, ये सभी दिव्या आत्माएं हैं। ये पूर्व जन्म के अपने संस्कारों को लेकर के सदगुरु के चरणों में बैठ करके ऐसी ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। मैं उन छोटे संतों को भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारी संत परंपरा को एक द्रोणाचार्य के रूप में अपने बीच में विराजे राजा राम जी महाराज ऐसी एक भारत को नई पीढ़ी दे रहे हैं, जिनके आशातीत ये लगता है कि ऐसी विद्वान संतों की मंडली हमारी भारत की आने वाली पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलाएगी, उनको जीने की कला सिखाएगी, उनको बताएंगे जीवन क्या होता है। ये सुखद पल आज भवरानी गांव में इन छोटे संतों के वचनों से एक आशा की किरण जगती हुई दिखी। पूज्य राजा राम जी महाराज ने एक मिशन पर अपने जीवन में बनाया, लक्ष्य जीवन में, विषम परिस्थितियों में कई ऐसी ज्वलंत हवाएं चली पर अडिग रह करके अपने धर्म को, अपने उद्देश्य को अनवरत चलाने वाले धीर गंभीर संत राजा राम जी बाप जी, तो ऐसे संतों को एक प्रतिभा के बाद दूसरी प्रतिभा तैयार करते रहते हैं, एक से बढ़कर एक। कृपा राम जी महाराज, बांके बिहारी जी, अब ये छोटे छोटे दो और संत महात्मा, फिर और आएगा। मुझे लगता है महाराज जी जिंदगी भर इसी प्रकार हमारे देश को एक नई नई प्रतिभाएं देते रहेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सजनों, ब्रह्मचारी जी ने कुछ शब्द कहे थे, हम यहाँ जितने बैठे हैं हम अपनी मस्ती में तो मस्त है, कोई दो राय नहीं, कोई भजन संध्या में मस्त है, कोई श्रृंगार रस में पीछे मस्त है, सब अपनी अपनी मस्ती, अपने अपने मनोरंजन में, अपने अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति में लगे हुए हैं। हम ही नहीं, इस दुनिया में एक क्षण में अनंत घटनाएं घट रही है, एक पल के अंदर अरबों अरबों घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि अरबों अरबों लोग इस दुनिया में हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग नहीं है। इस समय दुनिया में 10 अरब से ऊपर लोग हैं, दसों अरब लोग
एक पल के अंदर अपने अपने अलग विचार रखते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, एक क्षण के अंदर दसों अरब के आसपास क्रियाएं हो रही हैं, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, महाराज जी ने वहां आगे जाकर के बोला, नर सेवा नारायण सेवा, ये 10 अरब के आसपास ही नारायण का स्वरूप है। हम एक खुले दिमाग से चर्चा करें तो चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी मत मतांतर को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे भारतीय हो, जापानीज हो, अमेरिकन, पाकिस्तानी, कोई भी हो, वो वाक्य में नर नारायण का स्वरूप है। जो मनुष्य बन के पृथ्वी पर आया सब नारायण का स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा शब्द आत्मा सो परमात्मा है, जिसके अंदर आत्मा विराजी सब परमात्मा का ही अंश है। इतने गहरे शब्दों के बाद में ये जो दुनिया में उथल पुथल आ रही, इसका क्या कारण है? नर नारायण का स्वरूप प्राप्त करके राक्षस क्यों बन जाता है? मनुष्य ही दानव जैसा क्यों बन जाता है? सजना, उसका मूल एक ही कारण है। माना कि ईसाई, मुसलमान, पाकिस्तानी, जापानी, अरबीज सभी नर नारायण है, परंतु दानव और राक्षस क्यों बन बैठे? उसका एक ही कारण है, संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। संग करेंगे ऐसे ही रंग चढ़ेगा। उन दिव्य आत्माओं ने, नर नारायण ने मनुष्य और देवता का संग कम किया और राक्षस और दानवों का ज्यादा किया, तो आज राक्षस और दानवों की फौज तैयार हो गई है। मेरा यही आपसे निवेदन है कि हम रात्रि रात्रि भर जग करके जो प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हम समय को खराब नहीं कर रहे हैं। भले हम जाग रहे, हमारी नींद खराब हो रही है, परंतु जो सत्संग में आ गया वो अपना मंजन कर रहा है, वो अपनी झोली को भर रहा है, और श्रृंगार रस में जो चला गया वो अपनी झोली को खाली कर रहा है। इस समय रात के विदेशों में अपने यहां तो सत्संग भजन चल रहा है, और महानगरों में शायद क्लब में नाच नृत्य चलता होगा। वे लोग तो श्रृंगार रस में अपनी झोली खाली कर रहे होंगे, अंदर से खाली हो रहे होंगे। आप लोग भले कितने भी बैठे हो ऐसे दिव्य संतों के सामने, और महेंद्र सिंह जी अभी भजन जो गाएंगे, वो महेंद्र सिंह जी तो भगवान की इनके ऊपर कृपा है कि इनको कंठ दिया है, स्वर दिया है, साधना की इन्होंने। मुझे किसी ने बताया, सुनकर के बहुत खुशी भी हुई और बहुत अंदर से दुख भी हुआ कि विषम परिस्थितियों में बहुत कष्ट उठा करके महेंद्र सिंह यहाँ तक पहुँचे हैं। बधाई और शुभकामना करते हैं। महेंद्र सिंह जी तो शब्द देंगे पर जो स्वर देंगे, पर जो शब्द होंगे महेंद्र सिंह जी के कंठ से निकलेंगे, वो महापुरुषों के होंगे। मीरा, रैदा, सूर, कबीर, नानक, डूंगर और प्रिजी और भनानाथ जी के होंगे। साक्षात उनका अनुभव करना उनके शब्दों से कि आज हम सत्संग में बैठ करके बहुत दिव्य वाणियां सुन रहे, हमारी ज्ञान की झोली भर रहे हैं, हमारा कल्याण हो। ये सत्संग मनोरंजन नहीं है, इसको आप मनोरंजन के रूप में मत लेना। केवल नींद खराब करना ऐसा मत सोचना। जो वाणियां बोली जाए, जो भजन बोले जाए, उनके शब्दों को ध्यान देना। अभी हम भी एक जागरण में से निकल के आए, अच्छे गायक आए हुए थे, साथ में नृत्यांगनाएं भी थी, हो सकता इस मंडली में भी हो। मैंने उनसे कहा कि आजकल सत्संग का स्वरूप ही बदल दिया है, हो सकता है श्रोताओं की मांग बदल गई है, उसके अनुसार वे लोग करते हो। मैं
प्रशंसा करता हूं प्रत्येक कलाकार का, चाहे वो नृत्यांगना हो, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे अन्य उसमें प्रतिभा हो, परंतु सबका मंच होता है। ये सत्संग का मंच है, ये जागरण का मंच है। यहां रात्रि भर बैठ करके हमें दिव्य पुरुषों के, महापुरुषों के, योगी पुरुषों के जो शब्द है, जो जीवन को उच्च शिखर पर ले जाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं, उसके लिए जागरण करना चाहिए। मनोरंजन और नृत्य करने का विषय यहाँ नहीं होता है। ऐसे ही महेंद्र सिंह जी यहाँ गूढ़ वाणियां गाएंगे, आप लोग सुनना। और बांके बिहारी जी ने बहुत आपको संकेत कर दिया, तुलनात्मक आपको बता दिया कि हम सोना है, सोने को छोड़ करके कथीर खरीदने चले हैं। हमारी संस्कृति तो देव संस्कृति है, और हम लोग देव संस्कृति को छोड़ करके राक्षस और दानव संस्कृति अपना रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। पहले किसी चीज को समझो आप, उसके बाद में उसको अपनाओ या छोड़ो। हमने समझा नहीं, उससे पहले ही अपना दिया और छोड़ दिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल मूर्खता है। इस दुनिया में मैं महाराज जी को प्रस्थान करना है, क्योंकि हमारा जो भूमिका होती है वो आधा घंटा तो भूमिका बनाने में लगती है। जितना जिसका गहरा स्वाध्याय होगा, चिंतन होगा, ऐसे उसके विचार निकलते रहते हैं, फिर दो ढाई घंटे जाके बोले तब तक विषय तक पहुंचेंगे हम। तो आज ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि महाराज जी को वापिस प्रस्थान करना, हमें भी इस प्रकार से कार्यक्रमों में व्यस्तता रखनी है। महेंद्र सिंह जी को भी अपना नियमित कार्यक्रम करने है, आपको भी अपनी दिनचर्या करनी है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा सज्जनों, कि भले 9 अरब लोग यहाँ दुनिया में बैठे हैं, सबके सब भाग्यशाली हैं, चाहे वो कोई भी समाज का, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि मनुष्य बन करके पृथ्वी पर आया, इसका मतलब वो भाग्यशाली तो है ही। प्रारंभ में उसने बहुत अच्छे कर्म किए, दान पुण्य सेवा धर्म जो भी किया होगा, जिसका भगवान ने फल ये दिया कि कुत्ता बिल्ली बना करके पृथ्वी पर नहीं भेजा, मनुष्य बना करके भेजा, ये भाग्यशाली की बात है। भाग्यशाली तो है, इसमें कोई दोहराय नहीं, परंतु एक परम सौभाग्यशाली वो कौन है? भाग्यशाली भी उच्च श्रेणी जो होती है उसको परम सौभाग्यशाली कहते हैं। मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि परम सौभाग्यशाली आप और हम हैं, और हिंदू के घर पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक है। क्योंकि यदि अभी प्रश्न किया जाए कि बताओ महाराज, बताओ महेंद्र सिंह जी, आप सत्संगी हो, पहले अंडा था या मुर्गी, पहले बताओ बीज था या पेड़, अब महेंद्र सिंह जी जवाब क्या देंगे? महेंद्र सिंह जी कहेंगे पहले अंडा था, तो कहेंगे मुर्गी बगैर आया कहां से, पहले के बीज था तो कहेंगे पेड़ बगैर आया कहां से। अभी महेंद्र सिंह जी से, हमारे से ये पूछ लो आप के महाराज, ये आप 9-10 अरब की जनसंख्या के जो लोग कह रहे हो, ये आए कब, कहां आए, किस रूप में आए? तो अब महेंद्र सिंह जी यदि सत्संग किया है, कभी सुना है, तो जरूर कह देंगे, नहीं तो महेंद्र सिंह जी चुप हो जाएंगे और यही कहेंगे कि क्या प्रश्न किया आपने, हमने तो स्कूलों में पढ़ा है, क्या कैसे आए, क्या रूप धारण किया हुआ आए थे, बंदर की औलाद थे और क्या आए, पहले जंगलों में घूमते थे, पूंछ थी, नंगे घूमते थे, फिर धीरे धीरे हमारी पूंछ कटी, बाल झड़े, और हम एकदम सभ्य बन करके आज जेंटलमैन जिसको कहते बन करके घूम रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं उनसे कहना चाहता हूं सज्जनों, ये केवल मनुष्य में ही परिवर्तन क्यों आया? मनुष्य के ही पूंछ कट गई, बाल कम हो गए, बंदर की तरह चलता था, वन मासू मानुष था, वो बदल करके इंसान जैसा बन गया, ये मनुष्य में क्यों परिवर्तन आया? परिवर्तन सब में आना चाहिए। बताओ पहले भेड़ कैसी थी, क्या वो हाथी जैसी बड़ी थी अब ऐसी छोटी हो गई? क्या गाय कैसी थी जिसके 10 सींग थे अब 2 हो गए? ऊंट पहले कैसा था जिसके अब 4 टांगे हैं, इतनी लंबी गर्दन है, पहले और किसी रूप का था? हाथी किस रूप का था? उनमें किसी में परिवर्तन नहीं आया, और मनुष्य में परिवर्तन आया, तर्क संगत कहां से है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के लोग भाग्यशाली हो सकते हैं, परंतु परम सौभाग्यशाली हम हैं, क्योंकि हम बंदरों की औलाद नहीं, ऋषियों की औलाद है। अरे शास्त्रों को देखो ना, मनुष्य पहले पैदा हुआ ऋषि के रूप में हुआ, कपिल, कना, जैमिनी, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, मनु, हम तो मनु की औलाद, हम बंदर की औलाद नहीं है।
बंदर की औलाद तो वो है जिनको खाने का ढंग नहीं, खड़े खड़े खाते हैं, जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं, जो पेशाब खड़े खड़े करते हैं। और हाय हल्लो, अभी जो बांके बिहारी जी कह रहे थे, जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, पैंट तो 10,000 की खरीदी पर घुटनों पर फटी हुई पहनते हैं। लड़कियों को जिनको पहनने का ढंग नहीं है, इतने इतने कपड़े पहन के टांग पर टांग चढ़ाकर बैठती है, ऐसे जो लोग हैं उनको असभ्य और जंगली तो उनको कहेंगे, हम तो सभ्य हैं, हम तो ऋषियों की औलाद है, जिनके सिर पर चोटी हो, गले में जने हुए, तिलक किया हुआ, साफा धारी किया हुआ और धोती पहनी, उनको कहेंगे कि ये सभ्य व्यक्ति है, हम तो ऋषियों की औलाद है, बंदरों की औलाद नहीं है, इसलिए हम तो परम सौभाग्यशाली है, हमने कोई पुण्य जन्म बहुत अच्छे किए जिसके कारण ये देश मिला, ये धर्म मिला, ये समाज मिला है। हमें पाकिस्तान में जन्म नहीं दिया, अमेरिका जापान में नहीं दिया, हम भाग्यशाली इसलिए परम सौभाग्यशाली है कि उस जमीन में हमें जन्म दिया जहाँ पग पग पर देवता, प्रत्येक समाज में देवता पैदा हुए। बताओ हिंदू समाज की ऐसी कौन सी जाति जिसमें देवता पैदा नहीं हुए, हम तो देवताओं की औलाद है, उनके उपासक हैं। इसलिए भाई आपका हमारा सौभाग्य है कि भारत में हिंदू के घर पैदा होने का अवसर मिला, सौभाग्य तो अच्छा मिला, ये हमारे प्रारब्ध की कमाई है, पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए जिसके कारण ये हमारे को जीवन मिला, जीवन जरूर मिला पर जीवन शैली नहीं है हमारे पास, जीने का ढंग नहीं, अब जीते थोड़ा या जिंदगी को ढो ज्यादा रहे हैं, ढोना है हमारा, जीना नहीं है, जीने की कला तो सत्संग में आएगी। दो शब्द हमारे बीच में कुछ बातें कहेंगे प्रतापपुरी जी महाराज, बोले सदगुरु देव की, बोले श्री पीपा जी महाराज की, बोले श्री मोहनपुरी जी महाराज की, बोलो श्री शांतिनाथ जी महाराज की। वेदाहमितं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णं तमसः पुरुषात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति हि नान्यः पन्था विदते अनायः, नान्यः पन्था विदते अनायः। गोयल परिवार के गृह प्रवेश अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करने पधारे पूज्यवर श्रद्धे राजा राम जी महाराज जी साहब, आदरणीय सहजपुरी जी, जयराम जी, सधे आदरणीय बांके बिहारी जी, महेंद्र सिंह जी और उनके साथ आए हुए समस्त कलाकार बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम को सूत्रधार बनकर के मंच संचालन कर रहे शर्मा जी और मातृशक्ति और भवरानी गांव के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे बीच में दो छोटे छोटे ब्रह्मचारियों के रूप में संत प्रवर आए और उन्होंने अपने मुखारविंद से जो बहुत गूढ़ और गहरे शब्द कहे वही आज के सत्संग का सार है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा बोलना, ये किसी एक की बच्चे को खड़ा करके ऐसे बुलवा सकते हो आप, कोई गांव में से नहीं हो सकता। सजनों, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के यहां अवतरित होता है और फिर कहते हैं कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, कुछ हो गुरु कृपा, कुछ हो स्व विवेक, तब ऐसे प्रतिभाएं तैयार होती है। पूर्व जन्म के कर्म हो, गुरु कृपा हो, प्रारब्ध हो, स्व विवेक हो, ये सभी दिव्य आत्माएं हैं। ये पूर्व जन्म के अपने संस्कारों को लेकर के सदगुरु के चरणों में बैठ करके ऐसी ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। मैं उन छोटे संतों को भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारी संत परंपरा को एक द्रोणाचार्य के रूप में अपने बीच में विराजे राजा राम जी महाराज ऐसी एक भारत को नई पीढ़ी दे रहे हैं, जिनके आशातीत ये लगता है कि ऐसी विद्वान संतों की मंडली हमारी भारत की आने वाली पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलाएगी, उनको जीने की कला सिखाएगी, उनको बताएंगे जीवन क्या होता है,
ये सुखद पल आज भवरानी गांव में इन छोटे संतों के वचनों से एक आशा की किरण जगती हुई दिखी। पूज्य राजाराम जी महाराज ने एक मिशन अपने जीवन में बनाया, लक्ष्य जीवन में, विषम परिस्थितियों में कई ऐसी ज्वलंत हवाएं चली, पर अडिग रह करके अपने धर्म को, अपने उद्देश्य को अनवरत चलाने वाले धीर गंभीर संत राजाराम जी बाप जी। तो ऐसे संतों को एक प्रतिभा के बाद दूसरी प्रतिभा तैयार करते रहते हैं, एक से बढ़कर एक। कृपा राम जी महाराज, बांके बिहारी जी, अब ये छोटे छोटे दो और संत महात्मा, फिर और आएगा। मुझे लगता है महाराज जी जिंदगी भर इसी प्रकार हमारे देश को एक नई नई प्रतिभाएं देते रहेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सज्जनों, ब्रह्मचारी जी ने कुछ शब्द कहे थे, हम यहाँ जितने बैठे हैं हम अपनी मस्ती में तो मस्त है, कोई दो राय नहीं। कोई भजन संध्या में मस्त है, कोई श्रृंगार रस में पीछे मस्त है, सब अपनी अपनी मस्ती, अपने अपने मनोरंजन में, अपने अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति में लगे हुए हैं। हम ही नहीं, इस दुनिया में एक क्षण में अनंत घटनाएं घट रही है, एक पल के अंदर अरबों अरबों घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि अरबों अरबों लोग इस दुनिया में हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग नहीं हैं। इस समय दुनिया में 10 अरब से ऊपर लोग हैं, 10 अरब लोग एक पल के अंदर अपने अपने अलग विचार रखते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। एक क्षण के अंदर 10 अरब के आसपास क्रियाएं हो रही हैं, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, महाराज जी ने वहां आगे जाकर के बोला, नर सेवा नारायण सेवा। ये 10 अरब के आसपास ही नारायण का स्वरूप है। हम एक खुले दिमाग से चर्चा करें तो चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी मत मतांतर को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे भारतीय हो, जापानीज हो, अमेरिकन, पाकिस्तानी, कोई भी हो, वो वाक्य में नर नारायण का स्वरूप है। जो मनुष्य बन के पृथ्वी पर आया सब नारायण का स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा शब्द आत्मा सो परमात्मा है, जिसके अंदर आत्मा विराजी सब परमात्मा का ही अंश है। इतने गहरे शब्दों के बाद में ये जो दुनिया में उथल पुथल आ रही, इसका क्या कारण है? नर नारायण का स्वरूप प्राप्त करके राक्षस क्यों बन जाता है? मनुष्य ही दानव जैसा क्यों बन जाता है? सजना, उसका मूल एक ही कारण है। माना कि ईसाई, मुसलमान, पाकिस्तानी, जापानीज, अरबीज सभी नर नारायण है, परंतु दानव और राक्षस क्यों बन बैठे? उसका एक ही कारण है, संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। संग करेंगे ऐसे ही रंग चढ़ेगा। उन दिव्य आत्माओं ने, नर नारायण ने मनुष्य और देवता का संग कम किया और राक्षस और दानवों का ज्यादा किया, तो आज राक्षस और दानवों की फौज तैयार हो गई है। मेरा यही आपसे निवेदन है कि हम रात्रि रात्रि भर जग करके जो प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हम समय को खराब नहीं कर रहे हैं। भले हम जाग रहे, हमारी नींद खराब हो रही है, परंतु जो सत्संग में आ गया वो अपना मंजन कर रहा है, वो अपनी झोली को भर रहा है, और श्रृंगार रस में जो चला गया वो अपनी झोली को खाली कर रहा है।
इस समय रात के विदेशों में अपने यहां तो सत्संग भजन चल रहा है और महानगरों में शायद क्लब में नाच नृत्य चलता होगा, वे लोग तो श्रृंगार रस में अपनी झोली खाली कर रहे होंगे, अंदर से खाली हो रहे होंगे। आप लोग भले कितने भी बैठे हो ऐसे दिव्य संतों के सामने, और महेंद्र सिंह जी अभी भजन जो गाएंगे, वो महेंद्र सिंह जी तो भगवान की इनके ऊपर कृपा है कि इनको कंठ दिया है, स्वर दिया है, साधना की इन्होंने, मुझे किसी ने बताया, सुनकर के बहुत खुशी भी हुई और बहुत अंदर से दुख भी हुआ कि विषम परिस्थितियों में बहुत कष्ट उठा करके महेंद्र सिंह यहाँ तक पहुँचे हैं। बधाई और शुभकामना करते हैं। महेंद्र सिंह जी तो शब्द देंगे पर जो स्वर देंगे, पर जो शब्द होंगे महेंद्र सिंह जी के कंठ से निकलेंगे वो महापुरुषों के होंगे, मीरा, रैदा, सूर, कबीर, नानक, डूंगर और प्रीजी और वनानाथ जी के होंगे। साक्षात उनका अनुभव करना उनके शब्दों से कि आज हम सत्संग में बैठ करके बहुत दिव्य वाणियां सुन रहे, हमारी ज्ञान की झोली भर रहे हैं, हमारा कल्याण हो। ये सत्संग मनोरंजन नहीं है, इसको आप मनोरंजन के रूप में मत लेना, केवल नींद खराब करना ऐसा मत सोचना। जो वाणियां बोली जाए, जो भजन बोले जाए, उनके शब्दों को ध्यान देना। अभी हम भी एक जागरण में से निकल के आए, अच्छे गायक आए हुए थे, साथ में नृत्यांगनाएं भी थी, हो सकता इस मंडली में भी हो। मैंने उनसे कहा कि आजकल सत्संग का स्वरूप ही बदल दिया है, हो सकता है श्रोताओं की मांग बदल गई है, उसके अनुसार वे लोग करते हो। मैं प्रशंसा करता हूं प्रत्येक कलाकार का, चाहे वो नृत्यांगना हो, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे अन्य उसमें प्रतिभा हो, परंतु सबका मंच होता है। ये सत्संग का मंच है, ये जागरण का मंच है, यहाँ रात्रि भर बैठ करके हमें दिव्य पुरुषों के, महापुरुषों के, योगी पुरुषों के जो शब्द है, जो जीवन को उच्च शिखर पर ले जाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं, उसके लिए जागरण करना चाहिए। मनोरंजन और नृत्य करने का विषय यहाँ नहीं होता है। ऐसे ही महेंद्र सिंह जी यहाँ गूढ़ वाणियां गाएंगे, आप लोग सुनना। और बांकी बिहारी जी ने बहुत आपको संकेत कर दिया, तुलनात्मक आपको बता दिया कि हम सोना है, सोने को छोड़ करके कथीर खरीदने चले हैं। हमारी संस्कृति तो देव संस्कृति है और हम लोग देव संस्कृति को छोड़ करके राक्षस और दानव संस्कृति अपना रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। पहले किसी चीज को समझो आप, उसके बाद में उसको अपनाओ या छोड़ो। हमने समझा नहीं, उससे पहले ही अपना दिया और छोड़ दिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल मूर्खता है। इस दुनिया में मैं महाराज जी को प्रस्थान करना है, क्योंकि हमारा जो भूमिका होती है वो आधा घंटा तो भूमिका बनाने में लगती है। जितना जिसका गहरा स्वाध्याय होगा, चिंतन होगा, ऐसे उसके विचार निकलते रहते हैं, फिर दो ढाई घंटे जाके बोले तब तक विषय तक पहुंचेंगे हम। तो आज ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि महाराज जी को वापिस प्रस्थान करना है, हमें भी इस प्रकार से कार्यक्रमों में व्यस्तता रखनी है, महेंद्र सिंह जी को भी अपना नियमित कार्यक्रम करने है, आपको भी अपनी दिनचर्या करनी है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा सज्जनों, कि भले 9 अरब लोग यहाँ दुनिया में बैठे हैं, सबके सब भाग्यशाली है, चाहे वो कोई भी समाज का, इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर आया, इसका मतलब वो भाग्यशाली तो है ही। प्रारंभ में उसने बहुत अच्छे कर्म किए, दान पुण्य सेवा धर्म जो भी किया होगा, जिसका भगवान ने फल ये दिया कि कुत्ता बिल्ली बना करके पृथ्वी पर नहीं भेजा, मनुष्य बना करके भेजा, ये भाग्यशाली की बात है। भाग्यशाली तो है, इसमें कोई दोराय नहीं, परंतु एक परम सौभाग्यशाली वो कौन है? भाग्यशाली भी उच्च श्रेणी जो होती है उसको परम सौभाग्यशाली कहते हैं। मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि परम सौभाग्यशाली आप और हम हैं, और हिंदू के घर पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक है। क्योंकि यदि अभी प्रश्न किया जाए कि बताओ महाराज, बताओ महेंद्र सिंह जी, आप सत्संगी हो, पहले अंडा था या मुर्गी,
पहले बताओ बीज था या पेड़। अब महेंद्र सिंह जी जवाब क्या देंगे? महेंद्र सिंह जी कहेंगे पहले अंडा था, तो कहेंगे मुर्गी बगैर आया कहां से। पहले के बीज था तो कहेंगे पेड़ बगैर आया कहां से। अभी महेंद्र सिंह जी से हमारे से ये पूछ लो आपके महाराज, ये आप 9-10 अरब की जनसंख्या के जो लोग कह रहे हो, ये आए कब, कहां आए, किस रूप में आए। तो अब महेंद्र सिंह जी यदि सत्संग किया है, कभी सुना है, तो जरूर कह देंगे, नहीं तो महेंद्र सिंह जी चुप हो जाएंगे और यही कहेंगे कि क्या प्रश्न किया आपने, हमने तो स्कूलों में पढ़ा है, क्या कैसे आए, क्या रूप धारण किया हुआ आए थे, बंदर की औलाद थे और क्या आए, पहले जंगलों में घूमते थे, पूंछ थी, नंगे घूमते थे, फिर धीरे धीरे हमारी पूंछ कटी, बाल झड़े और हम एकदम सभ्य बन करके आज जेंटलमैन जिसको कहते बन करके घूम रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात आई। मैं उनसे कहना चाहता हूं सजनों, ये केवल मनुष्य में ही परिवर्तन क्यों आया, मनुष्य के ही पूंछ कट गई, बाल कम हो गए, बंदर की तरह चलता था, वन मासू मानुष था, वो बदल करके इंसान जैसा बन गया, ये मनुष्य में क्यों परिवर्तन आया। परिवर्तन सब में आना चाहिए। बताओ पहले भेड़ कैसी थी, क्या वो हाथी जैसी बड़ी थी अब ऐसी छोटी हो गई, क्या गाय कैसी थी जिसके 10 सींग थे अब 2 हो गए, ऊंट पहले कैसा था जिसके अब 4 टांगे हैं, इतनी लंबी गर्दन है, पहले और किसी रूप का था, हाथी किस रूप का था, उनमें किसी में परिवर्तन नहीं आया और मनुष्य में परिवर्तन आया, तर्क संगत कहां से है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के लोग भाग्यशाली हो सकते हैं परंतु परम सौभाग्यशाली हम हैं, क्योंकि हम बंदरों की औलाद नहीं, ऋषियों की औलाद है। अरे शास्त्रों को देखो ना, मनुष्य पहले पैदा हुआ ऋषि के रूप में हुआ, कपिल, कना, जैमिनी, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, मनु, हम तो मनु की औलाद, हम बंदर की औलाद नहीं है। बंदर की औलाद तो वो है जिनको खाने का ढंग नहीं, खड़े खड़े खाते हैं, जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं, जो पेशाब खड़े खड़े करते हैं, और हाय अल्लो अभी जो बांके बिहारी जी कह रहे थे, जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, पैंट तो 10,000 की खरीदी पर घुटनों पर फटी हुई पहनते हैं, लड़कियों को जिनको पहनने का ढंग नहीं है, इतने इतने कपड़े पहन के टांग पर टांग चढ़ा कर बैठती है, ऐसे जो लोग हैं उनको असभ्य जंगली तो उनको कहेंगे, हम तो सभ्य हैं, हम तो ऋषियों की औलाद है, जिनके सिर पर चोटी हो, गले में जने हुए, तिलक किया हुआ, साफा धारी किया हुआ और धोती पहनी, उनको कहेंगे कि ये सभ्य व्यक्ति है, हम तो ऋषियों की औलाद है, बंदरों की औलाद नहीं है, इसलिए हम तो परम सौभाग्यशाली है, हमने कोई पुण्य जन्म बहुत अच्छे किए जिसके कारण ये देश मिला, ये धर्म मिला, ये समाज मिला है, हमें पाकिस्तान में जन्म नहीं दिया, अमेरिका, जापान में नहीं दिया, हम भाग्यशाली इसलिए परम सौभाग्यशाली है कि उस जमीन में हमें जन्म दिया जहाँ पग पग पर देवता, प्रत्येक समाज में देवता पैदा हुए। बताओ हिंदू समाज की ऐसी कौन सी जाति जिसमें देवता पैदा नहीं हुए, हम तो देवताओं की औलाद है, उनके उपासक हैं। इसलिए भाई आपका हमारा सौभाग्य है कि भारत में हिंदू के घर पैदा होने का अवसर मिला, सौभाग्य तो अच्छा मिला, ये हमारे प्रारब्ध की कमाई है, पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए जिसके कारण ये हमारे को जीवन मिला, जीवन जरूर मिला पर जीवन शैली नहीं है हमारे पास, जीने का ढंग नहीं, अब जीते थोड़ा या जिंदगी को ढो ज्यादा रहे हैं, ढोना है हमारा, जीना नहीं है, जीने की कला तो सत्संग में आएगी। यात्रा खत्म की थी, वहीं से शुरू करने का भगवान ने हमें अवसर दिया था। कोई कलाकार बन बैठा, कोई संत बन बैठा, कोई व्यापारी बन बैठा, कोई दुकानदार बन बैठा, कोई नेता बन बैठा, कोई किसान बन बैठा, जहां जहां जो जो कर्म करते यात्राएं हमने खत्म की थी, पुनः हमारा चक्कर वहां आया, हमें वो यात्रा शुरू करने का अवसर दिया है। तो आप भी प्रयास करें इस आत्मा का जो दूसरा जन्म प्राप्त हो वो इस जन्म से आगे और अच्छा हो, क्योंकि दो ही गतियां हैं जीवन में, ऊर्ध्व गति और अधो गति। ऊर्ध्व गति में आप अपनी इस शरीर में से जब आत्मा निकले तो मनुष्य योनि से ऊपर की योनियों में हमारा जीवन जाना चाहिए, जैसे देव, यक्ष, गंधर, उसमें ये आत्मा जाए, दोबारा जन्म ऐसा ले। और अधोगति कहते हैं नीचे की गति, यदि आप बुरे कर्म करोगे तो भूत, पिशाच, पितर, कुत्ते, बिल्ली बन जाओगे। इसलिए अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाना, अपने जीवन को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाना। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। अब सत्संग करें आप लोग, पूज्य बाप जी पधारेंगे, हम लोग भी आपसे विदा मांगेंगे, फिर अच्छा वातावरण होगा और दिन का समय हो तो फिर किसी न किसी विषय पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं अपन लोग करेंगे। आज इतना ही, पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना। पूज्य बाप जी के चरणों में संतों के चरण वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय,
अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा YouTube चैनल की सदस्यता लेना आप ना भूलें। आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।